أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين वसलत वसलाम रसूल नबीन वाजी व तस्लिम कसीरा फ़ौज व्ल्समीलमिनैतम हमज़ीन वसमिल्लर उदक़ादर तमिन मोहतरम नादरी वसामिनकम वरम वर्क हकूक़ फ़रज़ इस सीरीज़ में आप तमाम का इस्तबाल हैं बात चल रही थी हकूक़ के सिलसिले में तो आज जो मौदू लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है तलबा और तालिबात के हूक़ इस्लाम एक बेहतरीन और अदीम मजहब है ऐसा दीन है जिसमें हर एक के हकूक़ जो है बताए गए इस्लाम ने किसी भी हक़ को जो है ऐसा नहीं है इस्लाम में कि किसी हक़ को जिक्र ना किया गया हो किसी के सिलसिले में हकूक़ मुतन ना किए हो बल्कि हर तबके से मतलब हकूक़ मौजूद हैं चाहे बच्चों के हों नौजवानों के हों बूढ़ों के हों हती कि जानवरों के हकूक़ भी इस्लाम में बताए गए अल्लाह के हकूक़ के साथ साथ ने जितनी मखलूक़ को पैदा किया है एक आम इंसान के हकूक़ चाहे उसका रिश्ता दीनी हो ना हो इंसान होने के नाते हकूक़ बनते हैं तो उनके हकूक़ भी इस्लाम ने जो है बताएँ यह ऐसा दीन है और उसकी तालीमात बड़ी जो है आलमगीर हैं और हमागीर हैं तो तलबा के हकूक़ के सिलसिले में देखिए मदारस जामियात स्कूल और इसी तरह यूनिवर्सिटी और दीगर मकाम जहाँ भी लोग तालीम हासिल करते हैं दर हकीकत ये तालीम हासिल करने वाली ये तबका ये जमात जो है कौम की अमानत और मुस्कबिल के मामार होते हैं और माशरे की सलाह व फला कामयाबी व कामरानी इसी तरह माशरे का बिगाड़ व फसाद का दार मदार इन्हीं पर होता है इनकी तालीम और तरबियत में जो है माशरे की तमीर और तरक्की का राज मुजमर होता है और इस तबके की अच्छी तालीम और तरबियत और उनकी किरदार साजी के बगैर माशरे की असलाह और तमीर का खाब शर्मिंदे एक ताबीर जो है नहीं हो सकता जब तक इस तबके के हकूक़ अदा ना किया जाए इनके सिलसिले में इनकी तालीम और तरबियत के सिलसिले में फ़िक्र ना की जाए माशरे की असलाह जो है मुमकिन नहीं है लिहाजा आइए हम कुछ तफसील से जो हैं तलबा और तलिबात के हक़ हाँ में इस्लाम ने क्या तलीमत दी हैं इस मबीनान निगरान घर के अफरा सरपरस्त माशरे में रहने वाले लोगों पर भी जो है ये हक़ बनता है कि तलबा के हकूक़ जो हैं अदा करें सिर्फ इस के नहीं बल्कि उसदा की तरफ से तो ज़्यादा क्योंकि उसदा ही तलबा को पढ़ाते हैं ज़्यादा तौर से उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है उनके अलावा घर के निगरान हैं माँ बाप हैं सरपरस्त हैं माशरे के जिम्मेदार हैं और दीगर जिसको अल्लाह ने ताकत दी है हर एक पर आगे में तफसी जो है बताऊँगा इन शाह तो सबसे पहला इस परलबा के क्या हकूक़ हैं इस सिलसिले में देखिए सबसे पहली पहली बात और सबसे पहला बुनियादी हक तलबा का जो तल्लक़ होता आती जहाँ से तालीम और तरबियत के नाही से तालीम उनकी तालीम उनकी तरबियत की जाए तो इस नाही से मैं कुछ बातें आज के इस दरस में बयान करूँगा तो उस्ताद एक मुरब्बी एक मम जो है तलबा को बेहतर तालीम और तरबियत के जेवर से जो है आरस्ता करें बड़ी जिम्मेदारी है इसी जिम्मेदारी के तहत एक मदरस को एक टीचर को चाहे वो मर्द हो या खातून हो शहरी दायरे में रहकर हमें तालीम देना है तालीम और तरबियत के जेवर से जो है उनको आरास्ता करने की ज़िम्मेदारी है और उसके लिए ऐसा अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए कि तलबा के अंदर इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा होना चाहिए ओक़ पैदा हो इल्म से महब्बत हो जो मादा जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उससे महबत पैदा होना चाहिए खुद उस्ताद से मोहब्बत हो हम पूरी कोशिश करें आगे मैं कुछ बातें बताऊंगा कैसे मोहब्बत पैदा हो और आज देखिए कुरान रफ़ का कलाम कुरान मजीद याद करने वाले अक्सर तलबा की जो शिकायत अस्तदा मुरबीआन करते हैं वो यही है कि बच्चों के अंदर शौक़ नहीं पढ़ने का शौक़ नहीं किताब से मोहब्बत नहीं अल्लाह की किताब कुरान मजीद से जो मोहब्बत होनी चाहिए ये दीनी और अखलाकी फरीदा हैं कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद दुनिया की कोई किताब पढ़े ना पढ़ें लेकिन रब का कलाम जिसमें हमारी हिदायत हैं दुनिया आखिरत की कामयाबी हैं कितने तलबा आज पढ़ते हैं लेकिन ये तालीम जो है या तो ज़बरदस्ती माँ बाप की ज़बरदस्ती इस की ज़बरदस्ती इस का बेजा डर और ख़ौफ ये उनको उभार रहा है इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा जो है नहीं होगा अब पढ़ लेंगे बाद में भूल जाएंगे या बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जिसके असर हम देख रहे हैं तो सबसे पहला काम ये उस्ताद को करना है कि जहाँ आपस में तलबा और तालिबात का इसमात से जो रब्त होना चाहिए अच्छा रब्त वो सही हो और इसी तरह जो इल्म हम उनको दे रहे हैं उससे उनको ज़ाती दिलचस्पी हो शौक उनके अंदर होना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तलबा में इसी शौक़ को पैदा करने के लिए जो है आने वाले जो भी तलबा साहबाई कराम आपलील्ला वसम के पास आते थे उनका अल्लाह के नबी स आसम करते थे वेलकम करते थे उन्हें मुबारकबादी देते उनके हक़ में प्यारे नबी सा आसन दुआ करते और इल्म हासिल करने की जो फ़जीलत अहादीस में काफ़ी अहादीस हैं अल्लाह के नबी सासम हासिल करने की फ़जीलत बयान करते ताकि उनके अंदर शौक़ पैदा हो जज्बा पैदा हो कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारी कामयाबी है अल्लाह से हम करीब होंगे जन्नत को हासिल कर सकते हैं जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान होगा इसे बेशुमार जो है अहादीस में बेशुमार बातें हैं सफ़ान बिना साल रद्ल तन से जो मरवी रिवायत हैं उसमें अल्लाह के नबी सा कहते हैं अल्लाह के नबी में खिदमत में आया और आपसे कहा है अल्लाह के रसूल सल्हुहम मैं जो है हसूल इल्म के लिए आया हूँ तो आपने फ़रमाया मर हैबम बिताबिल् तबुल लफुमलाई का भी अजनियत हाँ अल्लाबन अब्दुलबर रहमत ने जाम बयान फतल ही में जो है सफ़र नंबर एक सौ पचपन में इसको इस रवायत को नकल किया है कि तलब इल को मुबारकबादी हो मरहबा कहा अल्लाह के नबी सासम वेलकम कहा कहाँ यकीन फ़रिश्ते जो हैं उसे घेर लेते हैं और उसे अपने परों से साया करते हैं और मशहूर रवायात हम जानते हैं वीन तलबिल वनमलाईका तला तज ने अल्लाह के नबी सासम ने कहा कि फ़रिश्ते जो है तालब इलम के लिए अपने पर बिछा देते हैं अल्लाह मनसला का तरीक़न सफ़ी ही अबूदरदार्ला से जो रिवायत मरवी है तवील रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सा ने कहा जो हासिल करता है उसके लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह आसान करते हैं उसमें कहा फ़रिश्तः उसके लिए पर बिछाते हैं उसके लिए समंदर में रहने वाली मछलियाँ बिलों में रहने वाली चूंटियाँ तक दुआ करती हैं बल्कि कायन की पूरी मखलूक़ात तालब इल्म के हक़ में दुआ करती हैं इस तरीके से उभारा गया इस हदीस में ख़ास तौर से अल्लाह के नबी सा मरहबा कहा इस्कबाल किया प्यारे नबीलम और न सिर्फ आपली वसम ने तालब इलम का खैर मक़दम किया बल्कि साहबा कराम को भी अल्लाह के नबी सा तालीम दी अबू सैदरी अन्हु से जो रिवायत मरवी है सुनन इब्ने माजा में सही रिवायत है कहते हैं सयाती

फिर ये सिलसिला आज तक चल रहा है साहबा ताबीन के पास तब ताबीन तब ताबीन के पास उनके शागिरद ये सिलसिला आज भी क़ियामत तक चलेगा अल्लाह के नबी सास ने कहा जब तुम्हें उन्हें देखो तो उनसे कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक खुश आमदीद खुश आमदीद हो और उन्हें अल्लाह के नबी सास ने कहा कि तुम्हें उन्हें तालीम दो उन्हें तालीम दो तो मरहबा कहने खुश आमदीद करने का अल्लाह के नबी सास ने जो है हुक्म दिया है और इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हम मताल करें अल्लाह के नबी सा आसन जुम्मे के मौके पर ईदैन के मौके पर ईद ईद ईदालफ़ित्रदा के मौके पर और दूसरे कई मौक़े आए इसका की नमाज़ हो कुूफ़ सूरज ग्रहण या चार चाँद चा, ग्रहण की नमाज़ें हों दीगर जो बहुत सारे मौके पर जब अल्लाह के नबी साहबा को जमा करते मस्जिद में या ईदगाह में तो अल्लाह के नबी सा जो है खुतबा दिया करते थे और बेहतरीन तरीक़ा जतबे का होता अल्लाह के नबी सा आसम करते इस तरह कि हम गोश होकर साहबा कराम सहबियात गौर उससे जो है ख़बे को सुनते थे अल्लाह के नबी जो बताएँ उसको याद करते थे अदीस हम देखें साहबा ने एक एक हर्फ अल्लाह के नबीम की ज़बान से निकलने वाले एक एक हरफ को याद किया शौक़ से सुनते थे क़ से सुनते थे ख़ास तौर से अल्लाह के नबी स आखिरी खुतबा हजतल सबसे अदीम खुतबा बेहतरीन खुतबा जिसमें अल्लाह के नबीम ने कई वसीयतें फरमाई और कई नसीहतें की और वो नसीहतें वसीयत का मकाम रखती हैं बड़ी अज़ीम बातें अल्लाह के नबीम ने बयान की और सबसे बड़ा मजमे के सामने अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और उसका अंदाज़ भी देखिए सवालात की शक्ल में इंसानी जान माल इज़्ज़त व आबरू के सिलसिले में अल्लाह के नबीम काफ़ी नसीहतें फरमीं और बेहतरीन अंदाज़ शुरू में देखिए ख़तबे का आगाज़ अल्लाह के नबी ने पूछा क्या मक्का शहर नहीं है ये फ़लाँ दिन नहीं है फ़लाँ कई सवाल अल्लाह के नबी सा ने किए बेहतरीन अंदाज अपनाया प्यारे नबीम ने और इसकी अहमियत कई बातों की अहमियत पर तो मरकूज़ कराई तो आम अंदाज से हटकर जो है अल्लाह के नबी सा ने तालीम का बेहतरीन अंदाज अपनाया तो तमाम के लिए ज़रूरी है उसदा के लिए मौलमत के लिए कि बच्चों की तलबा और तालबात की तलीम और तरबियत के सिलसिले में एक अच्छा अंदाज अपनाते हुए उनको इल्म से जोड़ें किताबों की महब्बत इल्म की महबत उनके दिलों में बिठाया जाए और उसकी क्या फ़दीलत है इल्म हासिल करने की खास और दीनीम की फ़दीलत और आम तौर से जो है असरी ओम एक अच्छा डॉक्टर इंसान बने एक अच्छा इंजीनियर बने कोई भी तालीम हासिल करें ऐसा मुफीद इल्म के सबसे पहले अच्छा मुसलमान बने एक अच्छा मुसलमान बनते हुए वो जो है डॉक्टर बन सकता है एक अच्छा मुसलमान प्लस वो इंजीनियर बने कोई भी दुनिया का इल्म जो जिसमें उसका फ़ायदा हो उसके कौम समाज माशरे का मुल्क का पूरी दुनिया का फ़ायदा हो सकता है इंसान हासिल करें लेकिन सबसे पहले उसको एक अच्छा मुसलमान बनाने की इसदा को फ़िक्र होनी चाहिए तालीम तालीम के सिलसिले में तरबियत के सिलसिले में हम सही फ़िक्र करें उमुल आयशा उदील् ताल करती हैं कि आम लोगों की तरह अल्लाह के नबी सा कलाम नहीं करते थे आम बातचीत की तरह नहीं बल्कि टहर टहर कर रुक रुक कर अल्लाह के नबी सा आसन गुफ्तु करते थे कि सुनने वाला उसे याद कर लेता सुनने वाला जो है उसको याद कर लेता था ये प्यारा तरीक़ा प्यारे नबी सली वम कामदा तरीक़ा था आज हमें चाहिए आज देखिए कुछ गलतियाँ होती हैं तलबा से भी होती है इंसान हैं भी होती है इंसान हैं लेकिन एक माहिर उस के लिए एक अच्छी माहरा जो हैं मौलिमा की सिफत होनी चाहिए कि बेहतरीन तरीक़ा हम सीखें और जो पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग हम लें तरीक़ा क्या होना चाहिए छोटे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं नौजवानों को कैसे बड़ी उम्र वालों को कैसे पढ़ाया जाए वो ट्रेनिंग हमारे पास होनी चाहिए अल्लाह के नबी वसल्लम हर तरीक़े से आप वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया दीन का दाई ऐसे नहीं बनाया और ख़ास चुनिंदा लोगों को अल्लाह के नबी वसल्लम ने सेलेक्ट लोगों को सेलेक्टेड लोग थे मंतखब अफराद थे अशखा थे सहाबियात में भी एक बड़ी जमात उम्रमोमिन नाशर उदी तम सलमा का नाम आता है मोमिन ममूना का नाम आता है ये लोग जो है बड़ी काबिल ज़्यादसात मुफसरात और दीन की बड़ी जो है दाइयाँ थीं और उनके बाद भी बहुत सारे उनके शागिरदात आईं जिन्होंने जो है दीन का बेहतरीन काम किया आज भी जरूरत इस बात की है कि हम इन असूलों को अपनाएं अल्लाह के नबी की, की ज़िंदगी हमारे लिए उस है आइडियल है तमाम के लिए तो तलबा के जो हकूक़ बताए गए सबसे पहला हक़ हाँ मैंने आपके सामने जिक्र किया तलीम और तरबियत का इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें सबसे पहले शौक़ जज्बा उनके अंदर पैदा करें और बेहतरीन उसलूब जो एक अच्छे आ, मिसाली आइडियल मोलम का होना चाहिए वो स्लूब हम अपनाएँ और सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें आगे इन शुरुस में वो तमाम जो है जो बुनियादी हकूक़ हैं आपके सामने ज़िक्र किए जाएँगे अल्लाह से दुआ हैं अल्लाह ताली हम तमाम को सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने के अल्लाह तोफ़ी कतः फरमाएँ और जिनके जो हकूक़ बताए गए कमा हक अदा निभाने की अल्लाह शादत नसीब फ़रमाएँ इस सिलसिले में जो कोताहियाँ जो कमज़ोरियाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं जो सुस्ती का हिली अल्लाह ताला उसको दूर फ़रमाएँ अल्लाह हर शर से हर बुराई से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएँ आमीन सुमीन व मालीना इलामबी असलमकुम वहमतुल्लि वर्कात